हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार धनखड़ आपका अपने चैनल नॉलेज जंक्शन पर स्वागत करता हूं। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे नए और वीडियोस बना सकूं। तो हम आते हैं, हम लोग मैथमेटिकल सीरीज जिसमें कि हमने 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 लिया हुआ है, तो जिसमें कि हमने पहला लेसन डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ था और जिसके एक्सरसाइज हम कर रहे थे, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा था हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्वेश्चन 3 दे रखा है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 का डेरिवेटिव निकालना है हमें। सो लेट अज्यूम किया हमने कि y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू y है, और डिफरेंशिएट किया ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिला कि dy by dx, और अब हमें इस साइड में राइट साइड में यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि 1/2 √x, तो हमने रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाला, ऐसा समझिए कि ये सब कुछ नहीं, बस रूट एक्स है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया 1/2 √x इनटू, अब ये जो रूट के अंदर जो भी चीज है आपकी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करने गए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने गए, तो यहाँ पे 2x हो गया और 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और x को डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 7 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करते तो ये 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, और 2 कॉमन लेने के बाद में ये जो 2 था वो 2 हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पे x बचा, x और प्लस 2, तो हमारे पास में डेरिवेटिव क्या आ गया, dy by dx जो आ गया वो x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये डेरिवेटिव मिल गया। ये हमने इसका ग्राफिकल प्लॉट किया है, तो जो ब्लैक लाइन है, डार्क सॉलिड लाइन ब्लैक, ये बिहेवियर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, फंक्शन का बिहेवियर जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से है, और इसका जो डेरिवेटिव है इंक्रीजिंग बिहेवियर है दोनों साइड में, और ये जो इसका डेरिवेटिव है उसका डिक्रीजिंग बिहेवियर है, आप देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वही लेट अज्यूम कर लेते हैं हम इसको इक्वल टू वाई के, और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास में dy by dx आ गया, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x² प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर डेरिवेट करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे और इधर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम डेरिवेट करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ डेरिवेट किया फंक्शन पे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x² + 1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 1 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में क्वांटिटी क्या मिल गई कि 1/2 √x² + √x² + 1 इंटू 2x + x √x² + 1। अगर हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, अगर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे,
तो हमारे पास में ये x जो हम यहाँ से दोनों से x कॉमन ले लेंगे और ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो ऐसा मिला x 2√(x²+1+1) जो कि x कॉमन ले लिए हैं और अपॉन में 2(x²+1) और √(x²+√(x²+1) ये हमें डिफरेंट डेरिवेटिव मिला, डेरिवेटिव ऑफ √(x²+√(x²+1) का। ये इसका ग्राफिकल प्लॉट है, जो ब्लैक लाइन है जो कि एक वी शेप में बना हुआ है कि पहले फंक्शन यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट पे देखिए फंक्शन किस तरह से डिक्रीज हो रहा है और फिर उसके बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट पाने के बाद में इंक्रीज हो रहा है, या हम ऐसा बोले कि वो नेगेटिव वैल्यूज जो आ रही हैं वो कुछ नेगेटिव साइड से ग्राफ जो आ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद में फिर इंक्रीज हो रहा है। और इसका भी बिहेवियर वैसा ही है, बट ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ही इसका जो बिहेवियर है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इंक्रीजिंग स्लाइटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में डेरिवेटिव फंक्शन का बिहेवियर कुछ है नहीं, हाँ लेकिन इसके डेरिवेटिव टर्म्स का बिहेवियर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो हमें दे रखा है, फर्स्ट का फिफ्थ, 3/5³√, दैट इज 2x²-7x-5 का की पावर 5 है, तो दिस इज क्यूब रूट, इसको हम 1/3 बोलेंगे, तो यहाँ पे 5/3 होगा ये। तो देखिए हमने इसको अज्यूम किया, अज्यूम y इक्वल टू जो हमें फंक्शन दे रखा है हमने उसको अज्यूम कर लिया, और डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे DDx/DYx=DDx, और ये फंक्शन आपका 3/5√(2³√)(2x²-7x-5)⁵। तो यहाँ पे 5/3 है ये, तो 5/3 आगे जाएगा और -1 होगा, पहले पीबीए से जाएंगे हम पावर बेस और एंगल से, तो 5/3/5 ये 3/5 कांस्टेंट है ये तो बाहर आ गया, और यहाँ पे ये ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे माइनस का 5/3 हो जाएगा, माइनस का 5/3 है, -5/3-1 करेंगे तो ये आपके पास में माइनस का 8/3 हो जाएगा, ये जो भी कुछ है ये दैट इज माइनस का 8/3। तो 2x²-7x-5^(-8/3) इंटू, अब ये जो फंक्शन है इसको हम डेरिवेट करेंगे 2x²-7x-5 को, तो अब यहाँ देखेंगे 2x² का इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे -7x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, और -5 का 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में मिला 4x-7, और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 5 5 कैंसिल हो रहा, 3 3-1 बचेगा, तो आपके पास में ये बचा -1 2x²-7x-5^(8/3) और 4x-7, तो हमारे पास में डेरिवेटिव जो मिला वो ये हो गया। ये इसका बिहेवियर है, आप अगर बिहेवियर देखते हैं फंक्शन का तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऑलमोस्ट पैरेलल बिहेवियर है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं स्लाइटली, पहले पैरेलल टू एक्सेस आने के बाद में ये एक पॉइंट पे -1 पे दोनों के दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, बल्कि इसका थोड़ा सा फंक्शन का स्लाइटली ये अराउंड पॉइंट -0.8 पे इसका इंक्रीजिंग नेचर है, और इसका अराउंड 0.1 पे -0.1 पे इंक्रीजिंग नेचर है। और इसकी बिहेवियर की बात करेंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिहेवियर डिक्रीजिंग है
और ये जो इस अब डेरिवेटिव है रेड लाइन में डेरिवेटिव है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेचर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, फर्स्ट के सिक्स पे, जो कि लिखा हुआ है रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 की पावर 5। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव में एक रूल फॉलो करेंगे, दैट इज PVA, पावर बेस एंड एंगल। तो पहले पावर जो है 5 इसको हम डेरिवेट करेंगे। लेट हमने अज्यूम किया y इक्वल टू फंक्शन और उसको डिफरेंशिएट किया ऑन बोथ साइड। तो पहले यहाँ पे हम डेरिवेट करेंगे, तो पहले पावर को डेरिवेट करेंगे, पावर को डेरिवेट किया, पावर आ गया है x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, n x की पावर n माइनस 1, तो पावर 5 आ गया है और ये जो भी कुछ है वो उसमें से माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 की पावर 4 हो गया इंटू ddx। अब इस ये बेस को हम डेरिवेट करेंगे, तो बेस को डेरिवेट करेंगे रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5। तो आपके पास में ये जब डेरिवेट करेंगे हम रूट इसको रूट ऑफ 3x माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 3x माइनस 5 और 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 होगा और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली प्लस यहाँ पे ये माइनस का 1/2 होगा और माइनस 1/2 होने से आपके पास में क्या बनेगा, 1 माइनस 1/2 डेरिवेटिव आएगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2 और 3x माइनस 5 माइनस 1/2 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3x माइनस 5 की पावर 3/2 और 3x का डेरिवेटिव 3 होगा और माइनस 5 का डेरिवेटिव आपके पास में 0 हो जाएगा। तो ये आपका डेरिवेटिव फुल डेरिवेटिव आ गया, दैट इज 5 इंटू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 की पावर 4 इंटू 3 अपॉन 3/2 और रूट ऑफ 3x माइनस 5 प्लस 3/2 और 3x माइनस 5 की पावर 3/2। आप लगे तो यहाँ से 3/2 को कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके फंक्शन का और उसके रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव का। तो ब्लैक लाइन में आपका फंक्शन है, जैसे कि तो ये देखिए फंक्शन का आपका स्लाइड डेली, यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करते हैं ये इंक्रीजिंग बिहेवियर है आपके फंक्शन का, इंक्रीजिंग बिहेवियर है, और नीचे की तरफ में देखेंगे तो ये भी यहाँ इंक्रीजिंग बिहेवियर ही दिख रहा है। और इसका जो डेरिवेटिव है वो पहले डिक्रीज होने के बाद में फिर एक साथ से एट पॉइंट टू पे इंक्रीज हुआ है उसका बिहेवियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू पर, टू के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कोई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, लेट y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट किया ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास में क्या आ गया, डी डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एंगल को डेरिवेट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास में 2x हो जाएगा और ए स्क्वायर का कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 2x और साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब ये देखिए दोनों के दोनों फंक्शन भी, आपका फंक्शन कॉस एक्स है और डेरिवेटिव इसका साइन एक्स है इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स है, तो इसलिए ये मल्टीपल है, तो आपको जो डेरिवेटिव का नेचर है वो उसकी विड्थ ज़्यादा दिख रही है। और साइन एक्स और कॉस एक्स साइनोसाइडल बिहेवियर के होते हैं, उनका पीरियडिक नेचर रहता है, तो ये आप ये जो इनके ग्राफ हैं वो देख सकते हैं कि ये एक सर्कल की तरह चलते हैं, जहाँ पे सर्कल रोटेट किया हुआ है उन्होंने, सर्कल ही इनका बिहेवियर है, वही नेचर रखा हुआ है। तो
फंक्शन और इसका ग्राफ आपको दिखने के लिए मिल रहा है कि फंक्शन का ब्लैक लाइन में फंक्शन कैसे साइनोसाइडल वेव्स हैं, और इसके डेरिवेटिव में एक्स मल्टीप्लाई होने से उसकी वेवलेंथ जो है वो थोड़ी फास्ट हो गई है और इंक्रीज हो गई है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, डू सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय वीडियोस। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और जितना शेयर करेंगे मेरे वीडियोस को, उतना मुझे वीडियोस बनाने के लिए अच्छा होगा, मुझे उस चीज़ से मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बना पाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।